Inside an American, inside a hemispherical surface, inside the hemispherical surface, of a cup shown in figure, an insect crawls up. An so insect inside of hemispherical surface of a cup, as shown in figure. An insect crawls up. If mu is equals to 1/3, find the maximum angle theta from vertical to which insect can ascend without slipping. To which an insect can ascend without slipping. मैं को ऐसे हेमिस्फेरिकल कप दिए इंसेक्ट यहां से ऊपर जाना शुरू करता है. सो नॉर्मली होगा कि जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा एक स्टेज तक तो जाएगा, फिर वो स्लिप करके नीचे गिर जाएगा. हमने बताना है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्लिप करता है, इस पॉइंट पी पे मान लो, तो ये थीटा गिरता है. बिकॉज नॉर्मली यू ऑब्जर्व इट नंबर ऑफ टाइम्स की जैसे आपके पास कोई इंसेक्ट है falls in a wash basin, तो वो ऊपर जाना शुरू करता है, फिर स्लिप करता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर जाना शुरू करता है, फिर नीचे स्लिप करके गिर जाता है. तो हमने बताना है किस एंगल पे जाके वो इंसेक्ट स्लिप करेगा, किस एंगल पे जाके इंसेक्ट स्लिप करेगा. मान लेते हैं इंसेक्ट का कुछ मास. फोर्सेस बताओ कौन कौन सी लग रही हैं. वेट और फ्रिक्शन और सेंट्रीपेटल. सेंट्रीपेटल नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में. नॉर्मल तो वो उसके परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ये जो लाइन बनाई है आपने थीटा की. लाइन के परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग द रेडियस आर. इंसेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो अगर वो स्लिप किया तो किस डायरेक्शन में करेगा, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स. डाउनवर्ड्स. मतलब फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस अपवर्ड. फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी. अगर वो डाउनवर्ड स्लिप करेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड एक्ट करेगी. mg के कंपोनेंट्स बना लेते हैं. ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा. दिस वुड बी mg cos थीटा. ऐसे इंसेक्ट की मोशन है कोई. नो सर. अगर r mg cos theta है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है. म्यू mg cos theta. म्यू mg cos theta. मैक्सिमम इतनी अपोजिंग फोर्स ही हो सकती है. मतलब अगर इंसेक्ट ने ऊपर जाना है तो mg sin theta की जो वैल्यू है जो उसको नीचे लाने की कोशिश करी है बिकॉज ये टेंजेंशियल फोर्स है, इसकी वैल्यू से कम होनी चाहिए. Yes, sir. Hello. For insect, insect girega kab. We say the insect will fall down if mg sin theta becomes greater than limiting value. We can say insect will slip if mg sin theta लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो गया.
मतलब एम जी साइन थीटा एम जी तो कैंसिल म्यू के बना है 1/3 हमने बताना था मैक्सिमम थीटा कितना हो सकता है तो 10 inverse 1/3 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा अप टू व्हिच इंसेक्ट कैन असेंड इससे ज्यादा होगा तो फिर तो स्लिप कर जाएगा इसे थीटा इज इक्वल्स टू आपको इसमें हाइट भी पूछ सकते थे इंसेक्ट कितनी हाइट तक राइज करेगा एच एच कितना होगा अगर टैन थीटा 1/3 है तो एच कितना हो जाएगा टैन थीटा इज 1/3 तो एच कितना निकाल नहीं सकते यहां से एच किसके इक्वल लिखा था 1 minus cos theta अगर टैन थीटा 1/3 है तो cos theta हम निकाल सकते हैं निकाल सकते हो ना नाइन्थ की एक्सरसाइज थी cos theta दिया tan theta निकालना या tan theta दिया कोई भी एक theta दे दे तो दूसरा निकल आता है trigonometry लगा के so, but यहाँ पे मैं सिर्फ theta ही पूछा था next लिखो इसमें देखो कुछ नहीं आया समझ तो अदरवाइज नोट कर लो और अगर कुछ पूछने वाला है तो पूछो सो हाँ जी सर आपने इसमें नॉर्मल रिएक्शन इनवर्ड्स को अलोंग क्यों लिया नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से ही पास करता ओके सर सर्कल की प्रॉपर्टी होती है सर्कल पे कहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इट विल पास थ्रू सेंटर ओके सर नेक्स्ट लिखो Figure shows. Figure shows. Sir, question repeat करना वो net पे करो. Figure shows. System of two blocks. Figure shows system of two blocks of mass m each. Connected by long, inextensible, massless string. As shown in figure. Natural length of string is L. Natural length of spring is L and force constant K. Find
the displacement of block A on the table before it breaks off the क्वेश्चन हमें ऐसे दिया sir on the table breaks off the table दो मास्टर्स हैं दोनों का सेम मास दिया इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है फ्रिक्शन नहीं थी कहीं पे भी सिस्टम कैसे मूव करेगा ये सिस्टम कैसे मूव करेगा ये एम नीचे जाएगा ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा ये नीचे जाएगा तो ये मास सर ये आगे जाएगा राइट सर अगर ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी 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 मान लो ये यहां तक पहुंच गया ये वाला जो मास था ये इस पॉइंट तक आ गया स्लाइड करके और ये वाला मास इधर तक आ गया ये एक्स डिस्टेंस नीचे आ गया स्प्रिंग अब इस पोजीशन पे होगा Yes, sir. स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी Yes, sir. Yes, sir. कितनी रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था हुक्स लॉ सर K ऑफ K माइनस K X माइनस K X माइनस डायरेक्शन बताता है सो यहाँ पे X मैंने ये लिया तो इसको भी X ही ले लूँ नो सर अंडर रूट ऑफ सर ये एक्स नहीं होगा चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो उसको कुछ और ले लेते हैं इसको एक्स नॉट ले लो अगर उसको एक्स लेना है तो देयर एक्स इज द चेंज इन लेंथ और डायरेक्शन इज अ यस दो कंपोनेंट्स अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी कॉस और ये के एक्स साइन थीटा इधर ये साइन कंपोनेंट हो गया फोर्स का एक फोर्स एक कर रही है एमजी एक नॉर्मल रिएक्शन अब मेरे को बताओ क्वेश्चन में पूछा गया था ब्रेक्स ऑफ द टेबल मतलब सर वो वेट कब ज्यादा हो जाएगा उसके आर और के एक्स फोर्स जैसे 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 इधर जा रहा है ये kx की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है सब बढ़ रही है इंक्रीजिंग बढ़ रही है इंक्रीजिंग एक स्टेज आएगी जब ये अपवर्ड फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगी mg से यस सर यस kx cos थीटा mg से ज्यादा हो जाएगा ये ब्लॉक टेबल से ऊपर उठ जाएगा यस सर उस स्टेज में एक्स नॉट बताना है कितना ब्रेक्स ऑफ द टेबल मतलब टेबल से कांटेक्ट खत्म हो गया तो टेबल से कांटेक्ट खत्म होगा व्हेन केएक्स कॉस थीटा बिकम्स ग्रेटर देन एमजी
तो जब के एक्स कॉस थीटा एम जी से ज्यादा है तो एक्स नॉट बताना है कितना। पहले क्वेश्चन समझ आया देखो क्या पूछा है और क्यों ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ करेगा, वो समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, कंसेप्ट लिखो इसका पहले, फिर उसको सॉल्व करते हैं। कैन राइट, इसको नंबर कर लेते हैं सो दैट हमें समझने में आसानी दे। ये ब्लॉक ए बी, एज द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, एज द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक ए विल मूव डाउन एंड ब्लॉक बी विल मूव टुवर्ड्स द राइट। Block A will move down and block B will move towards the right. This will result in increase in length of a spring. This will result in increase in length of the spring and a restoring force develops in the spring. Restoring force develops in the spring. If the mass breaks off the table, if the mass breaks off the table, after traveling distance x naught, the change in length of spring is x. Such that distance x naught. Change in length of the spring is x, such that kx cos theta just becomes greater than mg. क्रिटिकल केस ही कर सकते हो, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसके जस्ट उसी इंस्टेंट के बाद ये ब्रेक ऑफ कर जाएगा। सर इसमें आपने नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं कंसीडर किया। जब ब्रेक ऑफ कर गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा ना, वो तो टेबल फोर्स कैसे लगाएगा अगर टेबल से टच ही नहीं कर रहा। तो सर पर वो क्रिटिकल केस में तो मतलब एक तरीके से कांटेक्ट में आ ही सकता कि हम बिल्कुल वही केस। क्रिटिकल केस का मतलब होता है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा, अब उसको इक्वल टू ही लिखते हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा मतलब kx cos theta की जगह 1.00001 kx cos theta। तो जब क्रिटिकल केस लिख देते हैं तो फिर हम वो नॉर्मल रिएक्शन को नहीं लेंगे साथ में। So KL1 minus cos theta is equal to MG. Cos theta kitna aa jayega? ठीक है यहाँ तक? ये ट्रायंगल है, ये एल है, ये एक्स नॉट, ये थीटा। टैन थीटा कितना है? एक्स नॉट बाय एल। एक्स नॉट बाय एल, हमने एक्स नॉट ही निकालना है। कॉस थीटा अगर ये है, cos theta is 1 minus mg by kl, 1 minus mg by kl, तो tan theta कितना हो जाएगा?
और cos थीटा इसके इक्वल है तो tan थीटा कितना अंडर रूट ऑफ mg के इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना मतलब बेसिस वन माइनस सॉरी ये थीटा सर ये आपने x की वैल्यू एल सेकंट थीटा माइनस वन क्यों डाल लिया किसने पूछा क्वेश्चन सद्रु मैथ्स आता बेटा थोड़ा सा कि मैं नाइन्थ की क्लास शुरू करूं मैथ्स की ये कितना है एल ये कितना है ओके सर चेंज इन लेंथ कितना हुआ सर वो सब्ट्रैक्ट हो गया एल सेकंट थीटा माइनस वन नाइन तो ऑफलाइन लगाई थी नाइन थोड़ी ऑनलाइन पढ़े थे एनीवेज बेस कितनी हो गई सॉरी परपेंडिकुलर एम जी बाय केएल तो टैन थीटा कितना हो गया टैन थीटा अगर ये थीटा है तो टैन थीटा कितना हुआ यहां से x नॉट की वैल्यू लिख दो ये आंसर है ये जो सारा होता है ना दिस इज ऑल मैथ्स इसमें मेरे कल आने वाला कुछ नहीं होता ये मैथ्स है बेसिकली फिजिक्स तो यहां तक है बस कि आपको क्वेश्चन समझ आया तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जब के एक्स कॉस थीटा इससे ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेक ऑफ कर जाएगा तो क्रिटिकल केस ले लेते हैं ब्रेक ऑफ के टाइम पे के एक्स कॉस थीटा इज़ इक्वल टू एमजी बाकी सब तो नीचे ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स किया मैंने देखो क्लियर है सबको स्क्रॉल डाउनवर्ड्स Next to right.
two masses of equal mass m are lying on x-axis as shown. A force F is applied at a region along vertical direction. As a result, the masses move towards each other. What is the acceleration of each mass at the instant distance between them is 2x? At the instant distance between them is 2x. Sir, last line repeat karna. What will be the acceleration of each mass at the instant distance between them is 2x? मेरे पास ऐसे दो मासेस हैं एंड दे आर जॉइंड बाय अ स्ट्रिंग. कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसके माइनस ए जीरो, इसके प्लस ए जीरो, ये ओरिजिन है. हमने इस स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगाई है F. मतलब इस रस्सी को पकड़ के ऊपर खींचना शुरू कर दिया. जब इस रस्सी को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये दोनों मासेस पास आएंगे या दूर जाएंगे? पास आएंगे. पास आएंगे. पास आना शुरू हो जाएंगे. हमने अभी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a. बिकॉज़ ये भी a. तो हमने बताना है जब इनके बीच में डिस्टेंस 2x रह गया तो इनकी एक्सेलरेशन क्या है. तो मतलब 2x डिस्टेंस रह गया तो यहाँ तो आप नया डायग्राम बना लो एक. के पास आ गए दोनों थोड़े से. और जो ये डिस्टेंस 2x है मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस एक्स जीरो और इसके हो गए एक्स जीरो. और जो स्ट्रिंग है वो अब ऐसे हो गई. हमने बताया इन मासेस की एक्सेलरेशन कितनी है. दोनों डायग्राम देखो समझ आ रहे हैं? सब बोर्ड क्लियर नहीं है. सबको अनक्लियर आ रहा है? बोर्ड ब्लर्ड है? नो सर, क्लियर है. यस सर, ब्लर्ड है. जिसका ब्लर्ड है, अगर कुछ लोग आ गए मतलब कुछ को भी क्लियर है तो मेरे एंड से तो फिर ठीक जा रहा है ना. अगर जिसका ब्लर्ड है एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देख लो, बिकॉज अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होगी तो सबको ब्लर्ड नजर आएगा. ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ मैं. वन वन फाइव वन फोर थ्री. वन वन फाइव वन फोर थ्री. क्वेश्चन समझ आया सबको कि मैंने रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया तो ये मासेस पास आने शुरू हो गए. तो एक इंस्टेंट पे, बिकॉज एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक इंस्टेंट पे जब इनके बीच में डिस्टेंस 2x है तो एक्सेलरेशन बतानी है.
क्वेश्चन क्लियर है पहले सबको क्या पूछा है? यस सर। तो एक काम करते हैं, किसी एक का फ्री बॉडी बना देता हूँ मैं, इसका बना लेते हैं। एक फोर्स लग रही है एमजी डाउनवर्ड्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन हमें दी नहीं तो उसको लेना भी नहीं, ये एंगल थीटा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स, दिस विल बी टी कॉस और टी साइन, ये थीटा तो ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? मैं आपसे अगर पूछूं एक्सेलरेशन होगी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मासेस की, ऐसे तो टेबल के ऊपर ही रह रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है टी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इस मास की, टी साइन थीटा बाय एम। पर टी कितना है, बिकॉज़ मैंने अभी तक इस एफ का यूज नहीं किया कोई। ये जो जहां से इसको टाई किया इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस पॉइंट का। अपवर्ड फोर्स है एफ, एक टेंशन टी इधर, एक टेंशन टी इधर, ये कितना हो जाएगा अगर ये थीटा है तो दिस वुड बी, दोनों को ऐड करके ये कितना आएगा, टी कॉस थीटा या टू टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा। F जो है वो 2t cos theta के इक्वल है, तो t कितना हो गया, F by 2 cos theta। अच्छा acceleration कितनी हो गई, इस direction में force थी t sin theta, तो acceleration is t sin theta by m, और t की है value F by 2 cos theta into sin theta by m, मतलब F by 2m into tan theta। अब इस डायग्राम को देखो, ये थीटा है, ये डिस्टेंस कितना है, x, x, और ये कितना है, A, A, very good. ये A, तो ये कितना हो जाएगा? Under root of A square minus X square. तो tan theta कितना हो गया? X upon under root of X. तो acceleration कितनी आ गई? Fx upon 2m under root of A square minus X square. यही निकालनी थी, देखो देखो इसमें कुछ नहीं समझ आया तो, क्लियर है? इसमें कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये बताओ मैंने इन दोनों को इक्वल क्यों लिया, मैंने ये दोनों इक्वल क्यों लिए, ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो एक्सेलरेट कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट तो ये ऊपर कब जाएगा, इसके ऊपर जाने के लिए f की वैल्यू 2t cos theta से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी इस पॉइंट के लिए, f की वैल्यू 2t cos theta से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी या नहीं, होनी चाहिए थी, फिर मैंने इक्वल क्यों लिया, आपने पूछा नहीं ना किसी ने भी,
आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने एफ और टू टी कॉस थीटा को इक्वल क्यों लिया है? सर क्योंकि वो कंपोनेंट है टेंशन का शायद इसलिए। तो कंपोनेंट होने से क्या होता है, तो मतलब इक्वल कर दूं कंपोनेंट है तो सर हमें उस इंस्टेंट पे हमने उस इंस्टेंट पे प्रॉब्लम तो उस इंस्टेंट पे इसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी। मैंने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, उस नॉट का है ना, F की वैल्यू 2t cos थीटा से ज्यादा होनी चाहिए तभी ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो नेट फोर्सेस F minus 2t cos थीटा is equals to ma। हम स्ट्रिंग को क्या लेते हैं, मास होता है स्ट्रिंग का जब हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं? नो सर। नो सर। अगर m जीरो है तो F की वैल्यू क्या आई? 2t cos थीटा। मासलेस बॉडीज के लिए हमेशा नेट फोर्स जीरो ही होती है, तो स्ट्रिंग को क्योंकि हम मासलेस मान रहे हैं इसलिए मैं ले रहा हूं नेट फोर्स जीरो। बिकॉज अगर किसी बॉडी का मास नहीं है तो उसको मूव करने के लिए फोर्स भी नहीं चाहिए, फोर्स तो मास के कारण चाहिए होती है ना। तो कभी भी आपको मासलेस बॉडी दी होगी तो उस पर नेट फोर्स हमेशा ही जीरो होगी, हमेशा अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वल होंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली फोर्सेस सेम होंगी, इसलिए किया मैंने। बाकी देखो अगर इसमें कुछ नहीं आ रहा समझ तो पूछो मेरे से। सर वहाँ पे ए कैसे आया नीचे ट्रायंगल में? टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी थी? टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2a। 2a तो देखो डायग्राम से 2a कौन सी लेंथ है, 2a यही लेंथ हुई ना, ये ए और ये भी ए, रस्सी को ही तो ऊपर खींचा था तो ये ए था ये भी ए था। ओके सर। तो इसलिए उसको ए लिया। क्लियर सबको? करें नेक्स्ट। यस सर। In the figure shown, find acceleration of block B. In the figure shown, find acceleration of block B. All the pulleys are massless and frictionless. Strings are massless and inextensible. Strings are massless and inextensible. Sir, एक बार block B के बाद बोल दो। Find the acceleration of block B in the figure shown. All the pulleys are massless and frictionless, and strings are massless and inextensible. को डायग्राम दिया है।
हमने ए को इधर पुल किया विद 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए को इधर खींच रहा हूं मैं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये ऊपर आएगा नीचे जाएगा? बी ब्लॉक, अगर मैं इस ए को टुवर्ड्स लेफ्ट खींचता हूं तो ब्लॉक बी विल मूव अप और डाउन, अगर इसको लेफ्ट की तरफ खींचूंगा ये पुली किधर जाएगी? ये वाली पुली फर्स्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये पुली लेफ्ट जाएगी तो ये वाली पुली, अगर ये लेफ्ट को जाएगी तो ये पुली अप, ये पुली ऊपर आएगी तो ये मास भी ऊपर आएगा। तो हमने बी की एक्सेलरेशन बतानी है। ऐसे न्यूमेरिकल्स में अज्यूम करते हैं कि ये रहेगा हमेशा हॉरिजॉन्टली, मतलब इक्वल चेंज इन लेंथ आएगा, तो कैसे करें इसको सॉल्व? हमारे पास दो मूवेबल पुलीज हैं, वन एंड टू, और ये थ्री और फोर फिक्स्ड हैं। पुली थ्री एंड फोर फिक्स्ड हैं। मेरे को देख के बताओ स्ट्रिंग्स कितनी यूज हो रही हैं? स्ट्रिंग्स एक ध्यान से देखो, एक स्ट्रिंग है जो बी ब्लॉक से शुरू होती है, वाइट वाली स्ट्रिंग, एंड इट गोज अप टू फर्स्ट पुली। यस सर। और एक है जो ब्लॉक ए और जो लेफ्ट साइड पे वॉल है उसके साथ कनेक्टेड है। यस सर। इस पूरी स्ट्रिंग में जो यहां से शुरू होती है इसमें टेंशन सेम होनी चाहिए या अलग अलग हर जगह पे? सेम सेम सेम। तो मैं इसमें टेंशन लेता हूं, अगर मैं बी का डायग्राम बना रहा हूं, ये टी टेंशन ऑलवेज एक्स अवे फ्रॉम बॉडी, मैंने सारी जगह पे टेंशन मार्क कर दी, मतलब अगर मैं बी का डायग्राम बनाऊंगा तो टेंशन अपवर्ड्स है, मैं फोर्थ पुली का बनाऊंगा तो डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है, इन पे दोनों अपवर्ड्स है, ये डाउनवर्ड्स है, इधर टेंशन की डायरेक्शन समझ आ रही है सारी? यस। अब इस सेकंड पुली को देखो, मैंने कहा सारी पुलीज मासलेस है, मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट करती है? इस पुली पे अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है? 2T। तो इस पे डाउनवर्ड भी 2T होनी चाहिए? Yes. तभी नेट फोर्स जीरो आएगी। अपवर्ड फोर्स अगर 2T है तो डाउनवर्ड भी 2T होगी। इसका डायग्राम बनाऊंगा तो 2T डाउनवर्ड्स, बी का बनाऊंगा तो 2T अपवर्ड्स। अच्छा, अब हम इस पुली को देखते हैं, इसमें मानते हैं इस ये अलग स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T1, और इधर T1 है ऐसे। इस पुली पे नेट फोर्स जीरो है, इस पे राइट साइड पे कितनी फोर्स लग रही थी? टी। लेफ्ट साइड पे कितनी फोर्स लग रही है? T1। नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, मतलब 2T1 इज इक्वल्स टू T, मतलब T1 इज T/2। यस। ये T/2, ये भी T/2, ये भी T/2। पहले टेंशंस देखो समझ में आई जो मैंने सारे डायग्राम में मार्क किए हैं? यस सर। सर 2T1 इज इक्वल्स टू T, ये कैसे? अब फर्स्ट पुली को देखो, फर्स्ट पुली पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? टी इधर, T1 इधर और T1 इधर। नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 2T is equal to T/2। अब जो प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा, ये नॉर्मली BSc का है, 11th-12th लेवल का नहीं है, बट हम इसका एक्सेसिव यूज करेंगे मल्टीपल पुली प्रॉब्लम्स में, बिकॉज
दो मेथड होते हैं, एक कॉन्स्टेंट मेथड होता है जिसमें हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट लेके सॉल्व करते हैं, उसमें गलती करने के चांस रहते हैं। वर्चुअल वर्क एक बहुत आसान मेथड है, इसमें गलती का चांस नहीं रहता। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, नॉर्मल क्या होता है, मतलब एफ इंटू एस या एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा है ना, एफ एस कॉस थीटा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो आप क्या लिख सकते हो, एफ एस, एफ एस कॉस जीरो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस एफ एस। ठीक, इसका मैं लेता हूं कि मान लेता हूं ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है बाय एक्स बी, तो टेंशन ने कितना वर्क डन किया इस पे, सिर्फ टेंशन, टोटल टेंशन कितनी लग रही है अपवर्ड्स, 3d, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो गया, 3d इनटू xb। सो हमने xb क्या लिया यहां पे, xb मैंने लिया कि इसकी डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड्स, टेंशन भी अपवर्ड्स, तो वर्क डन पॉजिटिव। इस ब्लॉक को देखो, अगर ये ब्लॉक अपवर्ड जा रहा है, ये किधर जाएगा, ए ब्लॉक, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, इसमें टेंशन कितनी है, टी बाय टू ने कितना वर्क डन किया, अगर ये एक्स से इधर गया, वर्क डन बाय टी बाय टू कितना हो जाएगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें टेंशन इधर एक्ट कर रही है और ये इधर जा रहा है भाई x से, तो वर्क डन कितना हो गया, पॉजिटिव t by 2x माइनस t by 2 into x से, स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स में टेंशन को हम बोलते हैं इट्स एन इंटरनल फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सेज वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग्स इज ऑलवेज जीरो, मतलब जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पे तो दो थे, तीन होते तो तीन के लिए लेते हैं, ये जीरो होना चाहिए। मतलब मेरे पास ये रिलेशन आ रहा है 3xb is equals to xa by 2, मतलब xb कितना, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो क्या रिलेशन बनेगा, bb is equal to ba by, एक बार ये और कर दो, ab is equal to a by 6। एक ही एक्सेलरेशन कितनी दी थी, 12 मीटर पर सेकंड। देखने में मुश्किल लगता है, मैं इसको 11th के मेथड से कराऊंगा तो एक्चुअल में डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप वर्चुअल वर्क से ही करोगे मल्टीपल पुलिस के प्रॉब्लम्स को। इसमें देखो कुछ नहीं समझ आया, पहली बार ही किया मैंने, आप में से किसी एक ने ना होमवर्क में ये प्रिंसिपल यूज किया था, मेरे को पता नहीं कौन सा, मेरे को नाम भूल गया, आप में से मैंने एक असाइनमेंट दी थी तो किसी ने होमवर्क में ये मेथड यूज किया था और मेरे को पता था वो नेट से कॉपी किया, उसको वो मेथड नहीं आता, बिकॉज़ जो चीज पढ़ी ही नहीं, जो चीज आपकी 11th की बुक में नहीं है, आप उसको पहली असाइनमेंट में यूज कर देते हो तो वो समझ में आ जाता है कि आपने वो क्वेश्चन को गूगल पे टाइप किया होगा, बहुत सारी साइट्स हैं डाउटनेट जैसे जिन्होंने वर्चुअल वर्क लगा के उसको सॉल्व किया होगा, आपने कॉपी मार के मेरे को सेंड कर दिया, तो वो काम मत करना कभी भी। इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो, स्कूल में ही आएगा भी नहीं भैया, मैं स्कूल का नहीं पढ़ाता, मैं बहुत क्लियर रहता हूँ इस मामले में, मेरा फोकस बिल्कुल क्लियर है, आपका अगर नहीं भी है तो एंट्रेंस क्लियर होने चाहिए, IIT या नेशनल मेडिकल कॉलेजेस में आपको जाना है, स्कूल के लिए पढ़ना है तो ये सब करें ही क्यों, फिर तो मैं जैसे एक दिन न्यूमेरिकल कराए थे वैसे फिर करा देता हूँ, सो ये बेसिकली सीखने वाला तो ये है, वो चीजें तो ऐसी हैं जो आपको बुक में से पढ़ के खुद भी समझ आ जाएंगी, बिकॉज ये चीजें जो बुक में नहीं मिलती ना, या नॉर्मली ये कह लो कि आपको ऐसी चीजें सीखने के लिए 10-12 किताबें लेनी पड़ेंगी, तो हमारा रोल ये होता है कि वो जो इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, अलग अलग बुक्स देखी हैं, तो जिसमें जो मेथड सबसे अच्छा है किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का वो आपको सिखा दिया जाए, वो फिर आपकी एबिलिटी, आप कितने मेथड याद रख पाते हो। इसमें देखो कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। सर हाँ जी सर, हमने बी वाले में उसका डाउनवर्ड्स मास कंसीडर क्यों नहीं किया,
वो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स तो वर्क करती है, इंटरनल फोर्सेस वर्क नहीं करती. से मतलब हमने इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ इंटरनल फोर्सेस कंसीडर करनी है. आप बेफिक्र हो, सिर्फ टेंशन ही लेनी है आपने, कुछ नहीं लेना आपको, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लेना आपको, कोई वेट नहीं लेना आपको, फ्रिक्शन नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, सिर्फ टेंशन इंटरनल फोर्स होती है ऐसे डायग्राम्स में. बिकॉज आपने जितनी भी फ्री बॉडी इक्वेशंस लिखी थी ना स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, हर जगह टेंशन कैंसिल होती थी जब एक्सेलरेशन निकालते थे, कि एक जगह प्लस टी एक जगह माइनस टी ऐड किया इक्वेशंस को तो टी कैंसिल हो गया. तो इंटरनल फोर्सेस का कोई ऐसा रोल नहीं होता. उसका कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज कर दिया कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क दैट वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी जीरो. अब उसके बाद मैं आपको इसमें जैसे चार पुलिस है, मैं छह पुलिस वाला भी दे दूंगा तो आप कर दोगे सॉल्व, अगर आपने ये कंसेप्ट याद रख लिया तो. एंड सर हम ए वाले में से भी बी की माइनस कर सकते हैं कि बी में से. कैसे? दोबारा पूछो क्वेश्चन, सुना नहीं मेरे को. सर आपने 3t into acceleration minus t by 2 मतलब b में से a का माइनस किया ना, कोई स्पेसिफिक नहीं, b में से a का माइनस नहीं किया मैंने. मैंने देखो b की डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में मार्क किया, मैंने b की डिस्प्लेसमेंट टेंशन की डायरेक्शन में मार्क किया, तो वर्क डन पॉजिटिव है, और a की जो एक्सेलरेशन है वो टेंशन के ऑपोजिट है इसलिए वो नेगेटिव है. ऐसे प्लस माइनस नहीं करना आपको, देखना है बिकॉज यहाँ पे तो दो ब्लॉक्स है, तीन होंगे तो आपको तीन के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव, ऑपोजिट में होंगे तो नेगेटिव. नेक्स्ट यू राइट. A small block is connected to one end of two identical massless strings of length 50 by 3 centimeter each. With the other end fixed to the vertical rod. If ratio of tension in the strings T1 by T2 is 4:1, find angular velocity of the block. If ratio of tensions T1 by T2 is 4:1, find angular velocity of the block. हमारे पास ऐसे एक वर्टिकल रॉड है, एक मास है एम, जो ऐसे घूम रहा है, दो एंड यहां से बांधे हुए, मतलब जैसे पेन के ऐसे आपने स्ट्रिंग बांध लिया और फिर वो मास इसके आसपास ऐसे घूम रहा है. इसमें टेंशन T1 हमें दिया, T1 बाय T2 की रेशियो 4:1 है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है,
ऐसी आपने गेम देखी होगी बचपन में, आते थे वो टॉय वाले लेके आते थे मंकी एंड मंकी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग बतानी है। सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग्स की रेशियो दी है, एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। कैसे करेंगे सॉल्व? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे को गिवन है, लेंथ ऑफ दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ दी है 50 by 3 cm। बेसिकली क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस मास का एक ही मास है, इसी का ही डायग्राम बन सकता है। इस पे फोर्सेस कौन कौन सी लगनी है? mg downwards, ये t2 या t1, और कोई फोर्स भी है? इसको छोड़ के कोई और फोर्स है? क्या बस ये तीन फोर्सेस ही हैं? सॉरी ये एंगल्स नहीं है 60, बिकॉज़ ये चाहिए होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है एंगल 60, बिकॉज़ फिगर दी थी तो फिगर में ये एंगल भी दिया हुआ। सेंट्रीपेटल नहीं मार्क करनी बिकॉज़ कोई फोर्स होती नहीं है, कोई और फोर्स सेंट्रीपेटल का रोल प्ले करती है। अच्छा कंपोनेंट्स बना देते हैं, T2 के दो कंपोनेंट्स कौन से, ये कौन सा? अगर ये 60 है T2 cos 60 तो ये 30 हो जाएगा। यस cos 30 Similarly, T1 के दो components, this would be दो equations कौन सी बनी? Vertical equilibrium के लिए equation क्या बनेगी? T1 sin 30 plus mg T1 sin 30 is equal to T2 sin 30 plus mg. और ये T1 cos 30 और T2 cos 30 का रोल क्या है? Centripetal. हो गया सॉल्व, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स। बेसिकली अगर मैं इक्वेशंस लिखूं तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम यहाँ से देखो तो मेरे पास वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगे, बिकॉज T1 T2 की रेशियो भी दी है। ये इसकी वैल्यू क्या होगी? सेंट्रीपेटल फोर्स कितनी? mr ओमेगा स्क्वायर। आर इसमें क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये L, R और L में रिलेशन क्या बनेगा? सॉरी दिस एंगल इज 60, ये 30 है। R और L में रिलेशन क्या बनेगा? cos 30 इज R by L, तो R इज L cos 30। यस ये कैंसल, यहां से कौन सी वैल्यू आगी? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या आएगी वैल्यू? T1 माइनस T2 किसके इक्वल? 2 mg।
हमारे को पता है टी वन इज फोर टाइम्स टी टू, टी वन इज फोर टाइम्स टी टू, तो ये क्या हो गया ऊपर 42 प्लस टी टू and this is 4t2 minus t2, that means 3t2 is ratio nahi to kya aa gaya omega nikla aayega, baki sab to given hi hai, m cancel ho gaya, ho jayega solve yes because you get 5/3 ratio li do. हमने ओमेगा बताना है तो ओमेगा स्क्वायर इज 10g/3 है. देखो ज़रा कुछ नहीं आ रहा समझ तो. ये इसको तो आप कर लोगे खुद, ये यहां तक बेसिकली समझो, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो उसके आगे तो मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, आप सिर्फ यहां तक फोकस करो, ये समझ में आ रही है दोनों इक्वेशंस मैंने कैसे लिखी हैं. क्लियर है सबको? यस सर. इसको नोट कर लो फिर. यहां तक नोट कर लो फिर करता हूं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, वो जो आप बुक कह रहे थे आईएई इनोनो, तो सर आप उसका कवर पेज सेंड कर सकते हो, उसकी काफी बुक्स हैं मतलब Amazon पे. यार इनोनो ना एक ऐसी बुक है जो सबसे पहले मैं आपको उस पर जान बताता हूँ, फिजिक्स की सबसे सस्ती बुक मिलेगी आपको अमेज़न पे, शायद उससे सस्ती कोई बुक नहीं होगी ऑनलाइन फिजिक्स की. अलग अलग पब्लिशर्स की बुक होगी, अरिहंत की भी होगी, मे बी जी आर बाटला की भी होगी, बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक होगी, सेम बुक है, कोई फर्क नहीं है. बिकॉज जो ओरिजिनल ऑथर है वो मर गया, जो पब्लिकेशन थी जिसकी ओरिजिनली बुक थी वो पब्लिकेशन बंद हो गई, जिस कंट्री के वो पब्लिकेशन हाउस था वो कंट्री भी नहीं एग्जिस्ट करती वर्ल्ड में, तो वो एक सॉर्ट ऑफ ओपन सोर्स हो गया, जो मर्जी उसको प्रिंट कर देता पकड़ के, आप चाहो तो आप प्रिंट कर दो, तो उसका कोई ओनर नहीं है उस बुक का असल में, कि जो हम कहेंगे उस पब्लिशर की लेनी है, जो भी मिलती है ले लो, जो सबसे सस्ती मिलती है 9500 के आसपास की बुक होगी वो मेरे ख्याल से. नहीं सर, उसके टॉपिक्स भी बुक के काफी थे, एक मतलब सारे टॉपिक्स की देनी है, थर्मोडायनेमिक्स की लग, अरे इरोडोव की एक बुक है 100 रुपए की बस, टॉपिक वाइज नहीं आती इरोडोव सर, वो फिर शायद कोई और देख, आपको और बुक को मैं देखो फोटो दिखा देता हूँ, मेरे पास 2-3 तो हैं, तो मैं वो तो आपको दिखा देता हूँ कैसी होगी वो, टेबल पे तो मेरे अभी एक पड़ी है. आपको ये बुक लेनी है, नॉन मेडिकल वालों ने लेनी है, मेडिकल वालों ने इसको टच भी नहीं करना, बस इतनी सी बुक है ये. ओके 11th और 12th मिला के 1300 प्रॉब्लम्स है, उनमें से भी हमने सिर्फ 800 ही करनी है, सारी नहीं करनी, हमारे सिलेबस की 800 ही है बस, तो आप कह सकते हो पूरे साल में 400 क्वेश्चन करने हैं इस बुक के, ऑन एन एवरेज 1.5 क्वेश्चन रोज है, अभी से लेके जेई मेंस तक एडवांस तक देखोगे तो रोज का एक भी क्वेश्चन करोगे तो ये बुक खत्म हो जाएगी. किसी भी पुराने स्टूडेंट से मांगोगे 12th वाले से भी तो बहुत खुशी खुशी दे देगा आपको, खरीदते समय करता कोई नहीं है, सबके घर में ऐसी पड़ी रहती है, सस्ती है इसलिए हर कोई खरीद लेता है, पर किसी ने इसको सॉल्व नहीं किया होता, मांगोगे तो दे भी देगा कि मैंने तो कभी पढ़ी नहीं तू ले जा, और इसके सोल्यूशन बिल्कुल नहीं खरीदने, इसके सोल्यूशन आते भी महंगे हैं, मेरे ख्याल से बुक शायद ये 90 रुपीज की है, सोल्यूशन इसके 900 से 1000 रुपीज के मिल रहे होंगे मार्केट में. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, इसको नोट कर लो पूरे को, पीडीएफ भी सेंड कर देता हूँ मैं अभी, अदरवाइज यहाँ से नोट करना है, यहाँ से कर लो. टेस्ट संडे को टेस्ट है एमसीक्यूज का.
tell your note? Yes, sir. So next time करते हैं फिर इसके आगे हमारी थ्योरी ऑलमोस्ट इस चैप्टर की हो गई है तो न्यूमेरिकल्स ही करेंगे अभी.